नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश में बीते दिनों हुए हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने राज्य के 21 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया है। तो वहीं यूपी के DGP OP सिंह ने कहा है कि कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण यानी कंट्रोल में है। DGP OP सिंह ने यह भी कहा है कि सुरक्षा के मद्देनजर हमने 21 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। स्थिति की मांग के अनुसार बहाल भी कर दिया जाएगा। DGP ने यह भी कहा है कि मासूमों को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं। जो हिंसा में शामिल है हम उन्हें बख्शेंगे नहीं, इसलिए हमने कई संगठनों के सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है, भले ही वे PFI हों या कोई राजनीतिक दल के नेता हों। उन्होंने आगे कहा कि सभी जिलों में मौलानाओं, मौलवियों और मुस्लिम संगठनों से शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई है। लोगों को आगाह किया गया है कि वो किसी के बहकावे में नहीं आए और हिंसा से दूर रहें। CCTV फुटेज और वीडियो से हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की गई है और उनके पोस्टर भी लगाए गए हैं। लोगों को ऐसे लोगों को पहचान बताने की अपील भी की गई है और यह भी कहा गया है कि हिंसा में शामिल लोगों की पहचान बताने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश में हिंसाग्रस्त जिले की पुलिस ने ट्विटर से लेकर चौक चौराहों तक उपद्रवियों और प्रदर्शनकारियों की तस्वीरें टांग दी हैं। पहचान बताने वालों को इनाम का ऐलान तक कर दिया है। साथ ही जिनकी पहचान हो चुकी है उनके घरों पर नोटिस भेजे जाने लगे हैं। नोटिस में यह पूछा जा रहा है कि आप हिंसक प्रदर्शन में शामिल थे, उपद्रव और तोड़फोड़ में आप पहचाने गए हैं, क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए।